और वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू, और स्वागत है आपका इस नए व्लॉग में। तो आज के व्लॉग में हम फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी सॉरी, मैं इतने दिनों से व्लॉग नहीं कर रहा था क्योंकि उसके पीछे से रीज़न है कि मेरे को एक इंजरी हुई है, उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ थोड़ी देर में। तो अभी हम शहरी के लिए उठे हैं, तो रमज़ान के वक्त चल रहा है और आज 21st शहरी है रमज़ान की। तो अभी हम शहरी करेंगे, शहरी मतलब फास्ट रखने के पहले, रोज़ा रखने के पहले भी कुछ खाना पड़ता है क्योंकि दिन भर हम खाने ने वाले पीने ने वाले, तो उसके लिए वो सब खाना है। तो फिर यस अभी जाके वो खाएंगे, फिर उसके बाद एक ट्रेनिंग है। तो स्टे ट्यून्ड एंड एंजॉय द व्लॉग। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारी शहरी और नमाज भी हो चुकी है, तो अभी इसके बाद मुझे ऑनलाइन ट्रेनिंग लेनी है। तो ऑनलाइन ट्रेनिंग है कुछ 6 बजे और अभी बज रहा है 5:14 अगर आप देख सकते हो। तो इसके बाद जैसे कि मुझे सबसे पहले क्लाइंट को मैसेज करना है कि वो उठा है या नहीं, वो देखना पड़ता है। अगर वो उठे नहीं रहेंगे तो उनको कॉल करके उठाना मेरा काम है, क्योंकि यही तो हमारा काम है। फिर उसके बाद 7 to 8 और एक क्लाइंट की ट्रेनिंग है, फिर 8 to 9 और एक क्लाइंट की ट्रेनिंग है। तो ऐसे हमारा दिन चलता है। तो उसके साथ मैं आपको एक बड़ी गुड न्यूज़ भी देने जाता हूँ कि वो ये है कि हमारे 100 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। अगर आपको कंटेंट और मेरे वीडियोज़ पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ आपके दोस्तों से शेयर करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए और थोड़ा सा आपके भाई को सपोर्ट करिए। तो तब तक के लिए आप व्लॉग एंजॉय करिए। जैसे कि आप सबको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि मेरे ऑनलाइन ट्रेनिंग थे, तो मैंने ऑनलाइन ट्रेनिंग कंप्लीट कर लिए थे, बट एक प्रॉब्लम उसमें ऐसी हो गई कि मेरे जो 8 से 9 वाले जो क्लाइंट थे वो आ नहीं पाए ड्यू टू सम रीज़न, वो उठे नहीं होंगे इसलिए। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट मैंने फिर सोच लिया कि थोड़ी देर सो लेते हैं, बट सोने के चक्कर में हम काफ़ी देर सो गए। हम लाइक 8 बजे सोया तो फिर मैं डायरेक्टली 11:15 को उठ गया, तो नॉट एन प्रॉब्लम। तो अभी हम तो वैसे प्रॉब्लम नहीं है कुछ, तो अभी मुझे थोड़ी देर में मेरी फिजियोथेरापिस्ट के साथ कंसल्टेशन है, तो वो ऑनलाइन कंसल्टेशन होने वाला है। और मैंने जैसे कि थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि मुझे एक इंजरी हो चुकी है, बट एक्चुअली वो इंजरी नहीं है, एक हमारे जो सर्विकल स्पाइन होता है उसके अंदर मुझे डॉक्टर ने TOS थोरैसिक आउट्रोम सिंड्रोम के सिम्टम्स बताए थे। वो एक डिसऑर्डर होता है, बट मुझे नहीं लगता वो मुझे रहेगा क्योंकि वो उसके अलग केस है और मेरी जो केस है मुझे लाइक कभी कभी ये 2 फिंगर में नमनेस आता है ऐसे हाथ रखा तो, या फिर टिंगलिंग सेंसेशन है, अनइजी नेक है, तो फिर मेरे नेक का डिग्रेडेशन हो रहा है ऐसे डॉक्टर का क्लेम है। तो फिर पता नहीं अभी क्या होता है, बट डॉक्टर ने मुझे आज बताया कि स्ट्रेचिंग और कुछ स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज है फॉर हमार सर्विकल स्पाइन के लिए, तो हम वो एक्सरसाइज आज करेंगे। सो देखते रहिए। आई एम गुड नाउ। गुड गुड, ठीक है। So 3 days हो गए आपने exercises वापस start कर लिए और उससे better भी feel हो रहा है, right? 2 days. 2 days. Yes. Good. ठीक है. So हमने वो जो matrix plan किया था उसके बाद जो results आए थे वो अच्छा है. Who will be helping you to achieve a fitness goal? And after setting those 2 things. Don't give up, believe in yourself, trust the process and give in whatever it takes. If you want, if you are looking for trainer on... Goal to 2 minutes of plank. Time hote ja raha hai. लेडीज एंड जेंटलमैन, अभी हम पी रहे हैं रूह अफ़ज़ा, तबक के इफ्तारी हो चुकी है, नमाज भी हो गई है, अभी पियेंगे, थोड़ा चिल करेंगे, फिर उसके बाद हम यहाँ पर बैठ के इस वाले व्लॉग को एडिट करेंगे और फिर तरावी पढ़ के सो जाएंगे।
मिलते हैं आपको फिर अगले व्लॉग में. टिल द टाइम लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब द व्लॉग एंड रूह अफ़ज़ा भी पी लेना. टाटा बाय बाय.